नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। यूपी के बस्ती जिला में इन दिनों दबंगों की गुंडागर्दी चरम पे है। बात बात के लोग एक दूसरे को लकड़ी बांबू से लाठी भाले से लेकर मारने को दौड़ते हैं। ऐसा ही आरोप दबंगों के ऊपर बस्ती जिला में हरैया तहसील के रानीपुर गांव निवासी शिवमूर्त राम सुख यादव ने लगाया है। उनका आरोप है कि वह अपने परिवार संग मुंबई में रहते हैं और गांव में रहने वाली उनके पैतृक जमीन को दबंग उनके भाई ने स्थानीय कुछ दबंग गुंडों की मदद से जबरी फर्जी हस्ताक्षर कर कब्जा जमा लिया है। जब वह गांव में अपनी जमीन मांगने गए तो उन्हें मारपीट कर भगा दिया है। आइए हम आपको सुनाते हैं पीड़ित शिवमूर्त राम सुख यादव की जुबानी, जो रानीपुर बाबू गांव के निवासी हैं और वह अपने ही जमीन से बेदखल कर दिए गए हैं। क्या कुछ कहना है उनका। शिव मुहूर्त पुत्र राम सुख यादव, ग्राम रानीपुर बाबू, पोस्ट कछिया, जिला बस्ती, थाना गौर, तहसील हरैया। क्या समस्या है, क्यों परेशान? समस्या ये है सर जी कि मेरे भाई और मेरे गांव के दबंग लोग जैसे रामविलास प्रधान, राम किशोर, प्रेम शंकर, राम सुभावन मास्टर, ये सब लोग दबंगई करके मेरा हक जो है मेरे बाप का जमीन जायदाद है वो हड़प के लिए मुझे देने से इनकार करते, मारने के लिए उठते हैं। क्या नाम है आपके भाई का? राम मुहूर्त पुत्र राम सुख। ये 16/2/2000 का मामला है सर, मेरे से फर्जी बैनामा करा लिए मेरे भाई ने, राम मुहूर्त। आपको पता कब चला इस बारे में? मैं अभी इस साल गया, फरवरी में गया तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने फर्जी बैनामा करा लिया है। आपने भाई साहब से अपने बताया, पूछा कि मेरा ये हक जरा मेरे को दे दो, मेरे को भी घर वर बनाना है, मैं भी बना लूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, वो लोग कहाँ रहेंगे? आपने तो बना लिया है घर, पिताजी का घर तोड़ के आपने बना लिया, लेकिन मुझे भी तो घर बनाने के लिए जगह चाहिए। तो बोले तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? पिताजी तो आपके भी थे। हाँ है, लेकिन वो बोलते तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम से बैनामा करवा लिया है। फर्जी करवा लिए? सम्मान्य हो गया वो, उनको सम्मान है क्योंकि वो दबंग लोग हैं, उनको एक जटाशंकर शुक्ला जी हैं, कुछ भी होएगा प्रशासन आने को होएगी तो जटाशंकर शुक्ला को फोन करेंगे, वो आएंगे, पुलिस वाले को बोल देंगे कि तुम उधर उस गांव में मत जाना। कौन है ये शुक्ला जी, कौन है? अब उनका पेट्रोल पंप है, भट्टा है, सब कुछ है। हाँ, तो आपने इस बारे में पुलिस में कंप्लेन की? प्रमोद पांडे करके पुलिस वाले थे, उनको बोला, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर दबाव रहता है। तो क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ सर जी कि मुझे मेरा हक मिल जाए, इसलिए आप न्यूज़ वाले से वीडियो बनवा रहा हूँ, इसको वायरल होएगा तो मेरा शायद कोई इसको देखे तो मेरे को न्याय मिले। इस बारे में आपको पहल करनी पड़ेगी, जो आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, SP हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे शिकायत करिए, क्योंकि देखो न्याय व्यवस्था पे आप विश्वास रखो, आपको न्याय मिलेगी, लेकिन आपको पहल करनी पड़ेगी, शिकायत करनी पड़ेगी। सर जी शिकायत करने को सोचता हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं। तहसील में मेरे चाचा जो अमेरिका पुत्र राम प्यारे, उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत किया था, उनका भी फर्जी बैनामा करवा के रख लिए हैं पहले से ही, और वो गुजर गए। मेरे चाचा नरसिंह पुत्र राम प्यारे, उनका भी फर्जी, पहले मेरे बुआ की लड़की के नाम पर बैनामा हुआ फर्जी, उसके बाद उस बुआ की लड़की से फिर अपने नाम पर करवा लिए हैं, मतलब सब फर्जी बैनामा है, दबंगई है। गांव का वीडियो भी मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ कैसा झगड़ा होता, कैसा क्या होता, कहाँ कहाँ मेरा खेत है, खलिहान है, सबका वीडियो मेरे पास में है। कितना जमीन है आपके पिताजी की, उसमें कितना आपका बनता है? मुझे 2.5-3 बीघा के करीब हिस्सा मिलेगा दोनों भाइयों के बीच में, 3 मेरे को 3 उनको मिलेगा। और आप चाचा का भी बता रहे हैं, आपको चाचा ने भी मेरे नाम रजिस्टर वसीयत किया तो उसको तहसील हरैया में दाखिल किया हूँ, लेकिन उसमें भी ये जाके आपत्ति लगा दिए हैं।